जाओ, पूजा की थारी तैयार करो। आपने कहा तो दिया, लेकिन उनका जानती है पूजा पाठ का होता है। सत्यानाश करेगी धर्म का कर्म का। छोटी मौत बड़ी बात मालकिन, आपने बहुत गलत किया है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। छुटकी दुल्हन है, आई लव यू छुटकी दुल्हन। अरे तू तो वही है ना जिसे भाई जी लेकर आए थे। कौनो काम से आई थी का? जी दिखने में तो ठीक ठाक है, छनमुनिया चिरैया जैसी। अरे अरे दिखाना सीधा तो कर हाथ। अरे कुछ नहीं, जब हम छोटे थे बचपन में हमारे मायके में एक नौकरानी थी दरभंगे वाली तुलरिया, तो बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। उसके हाथ पर ओम का गोदना गुदा था, वही देख रहे थे, लेकिन तुम वो नहीं हो। बाबूजी के दिमाग को तो जन्मे करते हो ना बबुआ, उनकी वाली ना हो तो उस सर्वनाश से भी नहीं डरते, कुछ भी करने पर उतारू हो जाते। एली कह रही हो बबुआ, उनकी बात मान लो, वही में हम सबकी और इस हवेली की भलाई है। सर्वनाश कर देंगे, उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। अगर उनकी वाली ना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हवेली हमको आज तक कभी घर नहीं लगी बल्कि जेल लग। अब बाबू जी उसकी जेलर, उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। ऐसा समय आ गया है जो चीज हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती थी उसकी आज ये हालत हो गई। ये देखिए, ये दुनिया को राह और रोशनी दिखाने वाली चीज है, लेकिन आज इस हवेली के अंधेरे में हमारे हाथ से फट फट कर बिखर रही है, सिर्फ बाबूजी की हिटलरगिरी की वजह से। हम आज तक
इस कैद खाने में सिर्फ आपकी वजह से रुके थे। आप भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी तो फिर अब यहां रहने का क्या फायदा? कहां जाओगे बाबू? कहीं भी भाग जाऊंगा जहां अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी तो जी सके। अपनी इच्छा की जिंदगी जीनी थी तो पहले काहे नहीं भागे? तुमने शादी ब्याह सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा से, तब काहे नहीं भागे? हाँ भागना चाहते हो, जबकि हवेली की और हवेली की और तुमने बाबूजी की इज्जत की बात आई की बात आई। शेखर, महतारी होकर ये बात कहते हुए कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन ये खानदान का चिराग अगर तुमसे ही होना तय हुआ तो तुम्हें आगे बढ़कर अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करनी होगी। हमने उस लड़की को देखा है बबुआ, वो अच्छी है। माँ? हाँ बबुआ, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जितना भी खराब क्यों ना लगे, लेकिन आज तक वो तुमसे कुछ नहीं मांगे हैं। आज वो तुमसे एक बेटा मांग रहे हैं तो तुम्हें बेटा होने का धर्म निभाना चाहिए ना। समझ लेना कि ये त्याग पितरों का ऋण उतारने के लिए कर रहे हो। बेटा का धर्म, पितरों का ऋण, पिता की इच्छा, ये बात तुम हमको अपनी बात मनवाने के लिए कह रही हो ना, ताकि कौनो तरह बाबूजी की बात रह जाए, बदले में चाहे हमरा जो। बबुआ, इंसान को कई बार अपने मर्जी के खिलाफ जाकर अपने घर परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे नहीं चलना हमको ऐसे घर परिवार के हिसाब से, हमको अपनी इच्छा के हिसाब से चलना है। आप क्या चाहती हैं, हम अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जिए या उनके दिए हुए बोझ के नीचे दब कर जिए? तुम क्या कर रही हो जी? ये हवेली में आकर और क्या किए सिवाय मुहूर्त के इंतजार के? वही कर रहे और क्या करेंगे? कि अब पानी कपार के ऊपर से बह रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आज रात को अगर वो हमारे पास नहीं आना तो हम हवेली छोड़ के भाग के अपने माए बाबू के पास चले जाएंगे। ये सब हम तुमसे इसलिए बोल रहे हैं कि जाकर तनी उनसे बता दो, और बात को इसे मजाक नहीं बूझना चाहिए। शर्त है। कैसा शर्त? सिद्धेश्वरी वो मान जाएगी तो हम भी बाबूजी की बात मान जाएंगे। सिद्धेश्वरी से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, या तो आप बात करेंगे या तो बाबूजी करेंगे। देख रहे बक्सर वाली भौजी अटक गई, कैसे घुस आई हो, निकल ही नहीं रहा है। आप मदद करो ना भौजी। मदद करो, एक तो चूरी नहीं निकाल सकते हो तुम दोनों, पता नहीं क्या करोगी। क्या लाओ दो हमका। तुम दोनों ने वो कोठरिया वाली लड़की को देखा था ना? अरे हमने तो यहाँ तक सुना है कि बाबूजी ने माजी को कहा है शेखर बाबू से बात करने के लिए। कैसी बात? कैसी बात भौजी?
कैसी बात बहूजी? अब हम तुम दोनों को सब बता देंगे ना, तो थोड़ी देर में सब हमको कूटनी मंत्र ही कहेंगे। ये बात अपने तक ही रखना। बहूजी को इस घर के लिए बक्सर वाले जी, इस हवेली का कौनो बारिश नहीं है, और बिना बारिश खानदान का नाम डूब जाता है। कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसके बाद उसका नाम लेने वाला कोई ना हो। हमारे दो बच्चों के बीच कोई पोता नहीं है दुल्हन, और इन दोनों में जो हमें बेटा दे सकता है वो है शेखर। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमें तो बच्चा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे ससुर जी ने तय किया है शेखर किसी और औरत से और बारिश पैदा करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं दुल्हन, लेकिन हम क्या करें, उनको बारिश चाहिए। वो हमार संगी साथी जैसे हैं, वो ये काम कैसे करेंगे? देखिए ना, हमारा मेकअप भी खराब हो गया। छोटकी दुल्हन, सब कुछ तुमने मदद और सहयोग पर टिका हुआ है। हवेली के भविष्य खातिर इतना भी नहीं कर सकते छोटकी दुल्हन। तुम शेखर की बीवी हो, तुम्हारा स्थान हमेशा बना रहेगा। हम कैसे लग रहे हैं? वो हमका अपने बच्चे से तो देखी ना, वो बच्चा तो शेखर का बच्चा है। आओ आओ, आराम से भीतर ले आओ, ले आओ, आओ फटाफट ले आओ, लगाओ, चलो फटाफट ये आड़े से लगाओ। हाँ, जब दूसरी वाली चौकी लेके आओ। ये सब क्या कर रही है? जल्दी करो, जल्दी करो, ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ दबाओ, फैलाओ इसको।
करिए ना ठीक से। 17-17 रोटी खाता है लेकिन काम में कम चोरी। लीजिए वहां लगाइए, आप लीजिए लगाइए और जाइए फटाफट दूसरा सामान में लेके आइए और ये सब लेते जाइए, खाली करिए। ये सब क्या है? इस सब सामान ही कोठरी में काहे रखा जा रहा है? अरे सत्यानाशी, फिर चालू हो गया तेरा सवाल जवाब। शांति से बैठने को नहीं होता, तकलीफ होती है। पुरपा बताती काहे नहीं है कि नया नया पलंग सामान ये सब यहाँ काहे रखा जा रहा है? अरे चिरई, हम समझाते हैं। कहना कि ठकराइन के इम्तिहान में तू पास हो गई, यहाँ रहने की मंजूरी मिल गई है तुम्हें, इसलिए तो सब सामान भेजे हैं वो। ठकुराइन जी की कृपा हमरे सर आंखों पर, लेकिन हमको इस सब चीज का जरूरत नहीं है। आप तो कोनो तरह हमको हमरे उनसे मिलवा दीजिए ना। अरे पहले जो सब मिला है वो तो रख ले, अरे तेरा मर्द भी मिल जाएगा। मैं हूं ना, खुश रहे खुश रहे। ये जो हो रहा है उसके लिए राजी हो का तुम? अरे तो का करे, रोए चिल्लाए का। ये सब जो हो रहा है वो परिवार खानदान के लिए हो रहा है ना, और वैसे भी तुम्हें का बच्चा अच्छा नहीं लगता? एक छोटा सा बच्चा तुम्हें पापा कहे? हमको पापा बोलेगा, तुमको क्या बोलेगा, का लोगोगी उसकी? अरे अब तुमका पापा बोलेगा तो हम ही तो उसकी मम्मी हुए ना, मम्मी बोलेगा। तू समझती काहे नहीं है, जो ये लोग हमसे चाह रहे हैं वो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। अरे कहा अच्छा नहीं है, और वो लोग तुमसे कहा चाहते हैं? बस एक छोटा सा बच्चा, हम भी तुमसे वही चाहते। और ये बात में इतनी भड़कने वाली क्या बात है? हाँ तू सचमुच चाहती है उस औरत के पास जाएं? अरे अब एक ही बात कितनी बार दोहराए, अरे जाओ। लगता है हमरे सूर भगवान, मतलब हमरे ऊ जल्दी आ जाएंगे। पता है ठाकुराइन जी भी हमको कूले इम्तिहान में पास कर दिए हैं। माने हम दोनों जना के साथे साथे रहने का मंजूरी मिल गया है, अब तो उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन वो जान ले हम भी उनसे नहीं बतियाएंगे। अरे बहुत तड़पाए हैं हमको, हम भी तनी तंग करेंगे, अब चाहे उनको बुरा लगे चाहे भला। भेज तो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही लौट के वापस ना आए। अभी तक यही खड़े हो का? आज रात नहीं जाने का उसके पास? लेकिन माजी तो कह रही थी कि आज जाना है, और अगर जाना है तो जा कहे नहीं रहे हो? अरे जाओ ना, देर करके जाना जरूरी है का?
खानदान का चिराग अगर तुमसे ही होना तय हुआ तो तुम्हें आगे बढ़कर अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन ई मौका आपको नहीं मिल सकता। कैसे कि वो पंडित कहा कि शेखर का कुंडली में पुत्र योग है। जो हो रहा है उसके लिए राजी होगा, और वो लोग तुमसे कहाँ चाहते हैं? बस एक छोटा सा बच्चा। हम भी वही चाहते हैं। अभी देखो आपके तो नामर्द बेटे, एक बेटा भी नहीं पैदा करते। बाबूजी, हम वो साबित करेंगे खुद को, हम वो साबित करेंगे कि हम कम नहीं है। हम वो साबित करेंगे। हम कम नहीं है। रणविजय, कहाँ जा रहे हो तुम? हम चाहे जहो जाएं, जाए रहे, जाने दीजिए ना। हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो तुम? बाबूजी को साबित करना है हमको कि हम ही पैदा करेंगे ई हवेली का वारिस। जब ये फैसला हो चुका है तो फिर तुमको ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, जाओ वापस अपने कमरे में। हम नहीं कर सकते। कैसे नहीं होगा?
बीच का मौजू यही था तो करते कलेजा को पत्थर सह लेते दर्द घन घो आते हैं इतना दिन से आए हैं हमको देखने का मन नहीं किया का आखिर में जब माय बाबू के पास भाग जाने का खबर दिए तब हमरी सुद आई है हमसे कुछ गलती हो गई का सब जो हो रहा है सब जो हो रहा है वो परिवार खानदान के लिए हो रहा है ना के लिए हो रहा है ना और वो लोग तुमसे कहाँ चाहते हैं कहाँ चाहते हैं बस बस एक छोटा सा बच्चा छोटा सा बच्चा।